तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना गेम को ओपन कर दिया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइस काफ़ी सारे बंदे का अपडेट प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तरह यहाँ पर आपको हर दिन अपडेट करना पड़ता है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स आउट कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा। डेली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 22 MB का यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। तो गाइस आपके साथ भी जैसे कि आप जैसे अपने गेम को ओपन करते हो तो गाइस आपको यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है। तो गाइस आप कैसे इस प्रॉब्लम को, जैसे कि डेली अपडेट प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊँगा। तो गाइस इस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना। तो चलो मैं टाइम वेस्ट करते हो अभी वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो गाइस कि आप भी यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को ओपन करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको डेली अपडेट 8 MB, 9 MB, 22 MB कुछ तरह यहाँ पर आपको डेली अपडेट आता रहता है। तो गाइस इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊँगा। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन को जरा क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो भी फ्लाइट मोड है उसको एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से गाइस यहाँ पर अपना फ्लाइट मोड को एक बार ऑफ कर देना है। कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना है अपना फ़ोन का सेटिंग पर। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फ़ोन का सेटिंग पर चला जाता हूँ। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपका कुछ तरह सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्शन डिवाइस, साउंड, यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, काफ़ी सारे सेटिंग मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है ऐप्स, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपका वहाँ पर मैनेज ऐप, ऐप लिस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि वहाँ पर ऐप्स लिखा होगा ज़्यादातर। तो गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस आपके फ़ोन पर जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेटर, कैरम, यहाँ पर कैमरा, जितने भी एप्लीकेशन है तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ ज़रा शो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है या तो गाइस आप ऊपर सर्च कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है फ्री फायर मैक्स, जैसे कि यहाँ पर मैं फ्री फायर मैक्स को पता कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरे को फ्री फायर मैक्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अच्छा से देख लेता हूँ अपना फ्री फायर मैक्स को, जैसे कि यहाँ पर आपको बीच में कहीं पर भी फ्री फायर मैक्स शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को फ्री फायर मैक्स मिल चुका है, मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ तरह जैसे सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको वहाँ पर इंटरनल स्टोरेज, स्टोरेज कोई भी हो सकता है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर या तो गाइस नीचे क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, यहाँ पर आपको ओनली क्लियर कैचेस कर देना है। कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपका फ़ोन पर एक एप्लीकेशन होगा क्लीनिंग ऐप, जैसे कि यहाँ पर आप क्लीन करते रहते होंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस वो आपका जैसे कि जितने भी इधर उधर का जो भी फाइल है वो क्लीन होता रहता है। जैसे कि एक एप्लीकेशन होता है, मेरे इस फ़ोन पर नहीं है, तो गाइस आपके पास वो एप्लीकेशन है तो गाइस आप हर दिन जैसे कि डेली आप उसको ओपन करके क्लीन करते रहते हो तो गाइस उसको क्लीन नहीं करना है, जैसे कि आपको उसको ओपन ही नहीं करना है। और गाइस कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एंड में लास्ट में जैसे कि जो भी साइड का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर। तो गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का जैसे कि ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपका फ़ोन एक बार स्विच होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर से गाइस अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पर आपका फ्री फायर मैक्स ओपन हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर डेली अपडेट प्रॉब्लम शो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना गेम को ओपन कर दिया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर 100% अभी लोडिंग होने वाला है। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे कि अपना गेम ओपन कर लूँगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है, तो कमा लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को कोई भी यहाँ पर लोडिंग इधर उधर यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे भाई लोगों का कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको ये ट्रिक फॉलो करना है तो गाइस आपका यह प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाता है। तो चलो आज का इस वीडियो में कुछ इतना ही।